है न्यूज के साथ मैं हूँ आपके साथ अंकिता। भाजपा पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद ने चुनाव आयुक्त के पास जाकर मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गौरीशंकर बिसेन ने कमल के फूल वाली साड़ियां बांटी सभा कर और इस प्रकार उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने चुनाव आयुक्त से मांग की है कि इस पर आप उचित कार्रवाई करें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने कहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी अपने अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश परिवर्तन की मांग कर रहा है और इसके लिए एक ही पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जो जल्द ही जनता को बदलाव लाएगी। आम आदमी पार्टी की बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। सभी 230 सीटों पर हम लोग संगठन का काम बढ़ाते चले जा रहे हैं। 148 प्रत्याशियों की हम घोषणा कर चुके हैं। परसों एक और सूची जारी की जाएगी और बहुत ही जल्दी हम पूरे 230 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी घोषित करने में इस समय सभी पार्टियों से आगे चल रही है और हमारा विश्वास है कि चुनाव की जब परिणाम आएंगे उन परिणामों में भी आम आदमी पार्टी सबसे आगे होगी।